हेलो स्टूडेंट्स, बच्चे आज मैं इंग्लिश में आपको पोइम करवा रही हूँ। सी शेल, सी शेल, सी शेल, सी शेल, सिंग मी ए सॉन्ग ओ प्लीज़, ए सॉन्ग ऑफ शिप्स एंड सेलर मैन एंड पैरट्स एंड ट्रॉपिकल ट्रीज़। सी शेल, सी शेल का मतलब होता है समुद्र के अंदर जो सीप मोती होता है, ठीक है। सी शेल सिंग मी ए सॉन्ग ओ प्लीज़, कृपया मुझे एक गाना सुनाओ, जो जहाज जिसको चलाने वाला जहाज होता है और जिसमें ट्रॉपिकल ट्री, जो वही पेड़ जो गर्म और गीली जगह पर उगते हैं। ऑफ आइसलैंड लॉर्ड्स इन द स्पेनिश मैन, विच नो मैन एवर मे फाइंड अगेन, ऑफ फिशिज एंड कॉर्लर्स अंडर द वेव्स एंड सी हॉर्स हॉर्सिस स्टेबल्ड इन ग्रेट ग्रीन केव्स। उनके बारे में स्पेनिश मैन बताएगा कि जो आज तक गुम हो गए हैं, उनको कोई नहीं ढूंढ पाया, और उन मछलियों को और कॉर्नस जो समुद्र के अंदर, कॉर्लस का मतलब होता है जो समुद्र के अंदर पिंक और रेड कलर के ऑब्जेक्ट्स होते हैं, उनको बोला जाता है, वो जो अंदर हैं उनको ढूंढ के लाना है। एंड सी हॉर्सेस, सी हॉर्सेस मतलब होता है समुद्री घोड़ा, स्टेबल इन ग्रेट ग्रीन ग्रीन केव्स, जो कि हरी हरी गुफाओं के अंदर रहते हैं। सी शेल, सी शेल, सिंग ऑफ द थिंग्स यू नो सो वेल, मैं इसीलिए आपको कह रहा हूँ क्योंकि उसे मालूम है कि वो समुद्र के अंदर रहता है, इसीलिए पोइट उसको सीशेल को कह रहा है कि आप ढूंढ के लाओ, ओके, इन चीज़ों को। अब बच्चे आज मैं आपको एक्सरसाइज भी करवा देती हूँ और कल मैं आपको वर्ड मीनिंग एंड क्वेश्चन आंसर भी करवा दूँगी। मार्क दी सेंटेंस एज ट्रू, ट्रू का मतलब टी लिखना है आपको, और नॉट ट्रू, जो फॉल्स भी हम बोलते हैं, नॉट ट्रू। द सी शेल टेल्स द स्पीकर ए स्टोरी, नॉट ट्रू। देयर आर सोल्जर्स मैन ऑन द शिप्स, ट्रू। द आइसलैंड्स आर लॉस्ट एंड कैन नॉट बी फाउंड अगेन, नॉट ट्रू। फिशिज एंड कॉरल्स लिव अंडर द ग्राउंड, ट्रू। सी हॉर्सेस लिव इन बिग ग्रीन केव्स, ट्रू। फाइंड टू राइमिंग वर्ड्स फ्रॉम द पोइम्स, राइम्स का मतलब होते हैं कविता के तौर पे सेम सेम, जैसे हिंदी में हम लिखते हैं ना, सेम वर्ड्स मिलते हों बच्चे। बेल सेल हेल, बीज नीज फीस, ऐसे ही बच्चे आगे हमारे पास नेक्स्ट बच्चे है। मैच द वर्ड्स इन ए विद द वर्ड्स दैट मीन द सेम इन बी, यानी कि कॉलम जो ए है और हमारा बी है, बच्चे वर्ड्स तो वही होंगे जैसे आप मैचिंग करते हो ना, तो बट आज भी यही है। एक अगर मीनिंग बच्चे हमारा फर्स्ट ये है, तो इसका सेकंड मीनिंग क्या होगा उसके बारे में बता रखा है। सबसे पहले है सेंटर, कहते हो ना हम, मैं आपको हिंदी में भी बोलती हूँ, इंग्लिश में सब में बोलती हूँ कि सेंटर में लाइन लगाओ। सेंटर का मतलब होता है बीच में, सेंटर बीच में, तो हमने इसका बोलना है मिडल, मिडल का मतलब भी बीच में। अब समझ आ गई बच्चे, सेंटर का मतलब और मिडल, ये देखो सेंटर में लाइन लगाओ, मिडल में बैठो, तो सेम जो आपका आंसर है, जो उसका मीनिंग है वो सेम होगा। शट, शट का मतलब होता है बंद करना, लॉक्ड, शट लॉक्ड। सैड, सैड का मतलब तो सबको पता है ना, उदास होना, सैड, अनहैप्पी। बिग, बिग लार्ज। पेल, पेल बकेट, आपको शायद चैप्टर में भी मैंने करवाया था ना, पेल बकेट। लिटल, लिटल स्मॉल। डिफ़िकल्ट, डिफ़िकल्ट हार्ड। ग्लैड, ग्लैड हैप्पी, हो गया आपका। अब बच्चे अपोजिट वर्ड, राइट द अपोजिट वर्ड्स ऑफ दीज वर्ड्स। बिलो, अप। बिलो
ऐड, ऐड करते हो ना, सम करते हो ना, ऐड के सब्ट्रैक्ट, अप डाउन, बैड गुड, स्टार्ट एंड, ओपन क्लोज, हॉट कोल्ड, प्रेजेंट एब्सेंट। ऐसे ही बच्चे आपको ये कंप्लीट दी सेंटेंसेस विद द करेक्ट वर्ड फ्रॉम द ब्रैकेट, जो ब्रैकेट में हमारे पास है उसको हमने करेक्ट वर्ड को लिखना है। ए डैश इज बिजिंग इन द गार्डन, बी ए, ए बी इज ब्रीजिंग इन द गार्डन, एक मधुमक्खी बाग बगीचे में भिन भिन आ रही है। ही वांट्स टू डैश हिज गार्डन शर्ट टूडे, वियर। कैन यू सी शी लाइक्स टू डैश विद ए पेंसिल नॉट ए पेन, राइट, डबल राइट लिखा हुआ ना बच्चे, ये राइट का मतलब होता है ठीक और ये राइट का मतलब होता है लिखना। वी सा ए ब्यूटिफुल डैश इन ए जू, डियर, एक होता है डियर, ये डियर है प्रिय, जो प्यारा होता है, हम कहते हैं ना माई डियर फादर, माई डियर मदर, ये डियर प्रिय प्यारा सबसे, और डियर हिरन। मदर हैज़ गोन आउट टू डैश ब्रेड एंड जैम, बाय, बाय का मतलब होता है खरीदना। ऐसे ही बच्चे एक्सरसाइज आपको फिल करनी है, ओके, बुक में।